वहीं सर्दियों की आमद के साथ ही बिजली कटौती की परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तंगमर्ग के लोग इन दिनों बिजली कटौती से परेशान हैं। कई गांवों में बिजली कटौती के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पीडीडी के जरिए अनशेड्यूल बिजली काटी जा रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मांग की है कि उनकी इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। पहले अगर हम बिजली की बात करें तो हमारा यहाँ रिसीविंग स्टेशन भी बनाया गया था पास में ही, तो उस टाइम हमें ये कहा गया था कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन फिर इसमें कुछ शेड्यूल बनाया गया था कि 2-3 घंटे के बाद बिजली आएगी, तो उसके बाद 2-3 घंटे बिजली रहेगी भी, लेकिन कोई शेड्यूल नहीं है इस बिजली का। कभी भी 1 घंटा पूरा बिजली रहती ही नहीं है। तकरीबन जब अंधेरा होता है उस टाइम इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, और कभी खाने का टाइम होता है उस टाइम भी बिजली नहीं रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बिजली की। अभी मौसम अच्छा है, ये तो अभी का हाल है, जब बर्फ़ पड़ेगी तो उस टाइम कितनी प्रॉब्लम होगी।